तो बच्चों, आप सब कैसे हैं? लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। तो उसका ऑलरेडी लेक्चर 1 प्रेजेंट है इस चैनल पे, तो पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग वन। लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। जैसे कि ये तो हम पढ़ चुके थे कि फाइलोटैक्सी क्या होता है, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ। लीफ का अरेंजमेंट स्टेम पे कैसे होता है और ब्रांच पे, उसको क्या बोलते हैं? फाइलोटॉक्सी। तो इसका एम क्या था? टू गेट ऑप्टिमम सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। लीफ जितना ज़्यादा फैलेगा उतना ज़्यादा उस एरिया पे सन का लाइट पड़ेगा और उतना ज़्यादा क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। तो ऐसा प्लांट का लीफ जिसका साइज बड़ा हो वो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा एरिया को कवर करेंगे और मोर सनलाइट उस पर क्या होगा? ट्रैप होगा। तो हमने देखा था अल्टरनेट, अपोजिट और वॉल्स टाइप का लीफ। जैसे वन नोड होगा इसमें, एक नोड पे एक लीफ, एक नोड पे एक लीफ, एक नोड पे एक लीफ। तो इसमें क्या हो रहा है? वन नोड पे ओनली वन लीफ है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? चाइना रोज हो गया, मस्टर्ड हो गया और सनफ्लावर हो गया। उसी तरह अपोजिट में क्या होगा? वो एक नोड पे दो लीफ रहेंगे। एक नोड है, एक यहाँ पे लीफ है और एक यहाँ पे लीफ है, दो लीफ है। ये किसका एग्जाम्पल है? कैलोट्रॉपिस, गुआवा, तुलसी। यहाँ पे वो एक नोड पे दो लीफ रहते हैं। वॉल्स में क्या होता है? वन नोड रहेंगे बट मोर देन टू लीव्स। अल्स्टोनिया हो गया या नेरियम हो गया, ये देख सकते हैं। एक नोड है, यहाँ पे कितना लीफ है? वन टू थ्री फोर। तो वो हम देख सकते हैं कि अल्टरनेट, अपोजिट और वॉल्स का क्या होता है। ए सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर। एग्जाम्पल क्या था? चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। अपोजिट में कहता है ए पेयर ऑफ लीव्स अराइजेज एट ईच नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर, कैलेट्रोपिस, गुआवा, तुलसी। वॉल्स टाइप क्या आता है? इफ मोर देन टू लीव्स राइजेज एट ए नोड एंड फॉर्म ए वॉल्स कॉल्ड वर्ल्ड, अल्स्टोनिया, नेरियम। ये एनसीईआरटी का लाइन है, इसको हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कर रहा है। जो हमने पढ़ा उसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। बोल रहा है फाइलोटॉक्सिस ए पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। दिस इज यूजुअली थ्री टाइप्स, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वॉल्स। इन अल्टरनेट में क्या होता है? टाइप ऑफ फाइलोटॉक्सिस सिंगल लीफ अराइजेस एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर। चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर आर एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेट। अल्टरनेट में क्या है? वन नोड वन लीफ, वन नोड वन लीफ, वन नोड वन लीफ, वन नोड वन लीफ, हम लोग देख सकते हैं। इन अपोजिट टाइप ऑफ ए पेयर ऑफ लीव्स अराइजेज एट ईच नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर, डेट इज कैलेट्रोपिस एंड गुआवा प्लांट में देखने को मिलता है। देख सकते हैं, वन नोड दो वन लीफ एंड टू लीफ, वन नोड टू लीफ एंड वन नोड टू लीफ। वही बात करेंगे। इफ मोर देन टू लीव्स राइजेज एट ए नोड एंड फॉर्म ए वॉल्स, इट इज कॉल्ड वॉल्ट, डेट इज अल्स्टोनिया। सो दिस इज ए सिंगल नोड एंड यहाँ पे मोर देन टू लीव, एक दो तीन चार पाँच छ सात। तो बोल सकते हैं कि मोर देन क्या है? टू लीफ है। तो इसमें कितना है? सेवन लीफ है। इसमें भी क्या होगा? सिक्स या सेवन जो भी है हो सकता है, बट मोर देन क्या है? टू है। दैट इज अल्टरनेट, अपोजिट एंड वॉल्स। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे।
मॉडिफिकेशन ऑफ लिप, लिप जो है वो मॉडिफाइड करके क्या क्या चीज़ें फॉर्म कर सकता है। तो लिप मॉडिफाइड टू फॉर्म ट्रेंडल कर सकता है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, लिप स्पाइन हो सकता है, देन फूड स्टोर कर सकता है ये, एंड इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट को खाने वाला प्लांट्स को बोल सकते हैं, और क्या है फाइलोड। ठीक है, अब ये सारे को देखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग एसटीएम में पढ़ने की कोशिश किया था कि जब एसटीएम मॉडिफाइड करता है तो ट्रेंडल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसमें क्या था यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या था, टिलर था यहाँ पे, है ना, टिलर बोल सकते हैं, वही बोल गया पी है। तो उसमें जो टेंड्रिल होता है वो क्या होता है, लीफ का टेंड्रिल होता है पी में, बट एसटीएम टेंड्रिल होता है किस में, ट्यूबर में, है ना, ट्यूबर में टेंड्रिल तो नहीं होगा ना, ये राइटिंग का मिस्टेक में थोड़ा सा देख लेता हूँ। टेंड्रिल में क्या था यहाँ पे, ये फॉर्मूला था टाइगर, है ना, गर्म ग्रेपवाइन था, है कि नहीं, और टेंड्रिल, और तो टेंड्रिल का एग्जांपल था ग्रेपवाइन। तो ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, तो क्या होगा, ग्रेपवाइन और गार्ड फैमिली में ये देखने को मिला था। ठीक है, हाँ, तो ये क्या था आपका, टेंड्रिल से क्या था, गार्लिक, है ना, ग्रेपवाइन था। उसी तरह यहाँ पे क्या, पी क्या है, लिप टेंडल का फॉर्मेशन होता है जो क्लाइम और सपोर्ट में हेल्प करता है। वही लिप स्पाइन की बात करेंगे तो स्टेम थॉर्न का फॉर्मेशन करता है, जैसे बैंगन भुलिया हो गया, और क्या हो गया, सिट्रस हो गया। बट लिप का जो स्पाइन जो किस में देखने को मिलता है, कैक्टस पे देखने को मिलता है, ये हम देख सकते हैं ये एग्जाम्पल को। वही बोलेंगे फूड क्या होता है, फ्लेशी लीफ होते हैं, ओनियन हो गया, गार्लिक हो गया, तो ये क्या हो गया, फूड को स्टोर करते हैं। बट ये फ्लेशी ओनियन गार्लिक एडिबल होते हैं, वो है क्या, लीफ है, बट हमें कभी ये नहीं पता चलता है, बट इसको देखना पड़ेगा। फ्लेशी लीफ, फ्लेशी लीफ हो गया, ओनियन हो गया, और गार्लिक हो गया, एडिबल है। उसी तरह बात करेंगे इंसेक्टिवोरस का, प्लांट ईटिंग, ये एक प्लांट है जिसका ये क्या है, इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है, और ये इस टाइप का ये क्या होता है, कैप होता है। कोई भी इंसेक्ट अगर यहाँ पे आएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और इसमें इंसेक्ट क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इंसेक्ट ट्रैप हो जाएगा। ये देखने के, जैसे पिचर प्लांट्स हो गया, या वेनम फ्लाई ट्रैप हो गया, या ब्लेडर वॉट हो गया, एग्जाम्पल है किसका, इंसेक्टिवोरस का। फाइलोड का मतलब क्या होता है, फाइलोड जो है यहाँ पे ये क्या है, ये अगर बात करेंगे पेटियोल हो गया, और क्या क्या, फोटोसिंथेसिस। इसमें ये कंसेप्ट है कि किसी किसी में क्या होता है, ये वाला जो पोर्सन है पेट्रियोल, वो भी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है ना, पेट्रियोल। ऑस्ट्रेलियन एकेसिया हो गया, जिसको बबूल का पेड़ बोलते हैं। अब बोल रहे हैं कि इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन ए फ्लोरल एक्सिस, उसको क्या बोलेंगे, इन्फ्लोरेसेंस। बोल रहा है ए फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट, तो फ्लावर है क्या, मॉडिफाइड शूट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड शूट है, वेयर इन ए शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज टू फ्लोरल मेरिस्टेम। अब बोल रहा है कि इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट एंड एक्सिस गेट कंडेंस्ड, है ना, द एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली एट सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। जैसे देखो ये क्या हो गया, हम बोल सकते हैं अगर कोई प्लांट है तो ये नोड है, 1 2 3 4 नोड हो गया, बट आप जब ये आपका कंडेंस हो जाता है ना, तो ये जो ये कितना दिख रहा है यहाँ पे, 1 2, इसका हाइट देखो, यहाँ से यहाँ तक हाइट है ना, 1 2 3 4 नोड के लिए, बट ये क्या है, आपस में सारे के सारे कंडेंस होते हैं, तो आपस में 1 2 3 ये नोड्स हो गए। अब यहाँ से जो चीज़ें निकलेंगी, जैसे यहाँ पे लीफ निकला हुआ है, फिर ब्रांच नोड से निकलते हैं, बट यहाँ पे क्या होगा, जैसे पास हो जाएगा ना, तो स्टेम स्टेम अराइज नहीं होगा, लीफ अराइज नहीं होगा, वही क्या होगा, मॉडिफाइड हो जाते हैं और फॉर्म हो जाते हैं यहाँ पे किस में, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोल सकते हैं, आपको सेपल बोल सकते हैं, पेटल बोल सकते हैं ना, है ना, और क्या बोले, स्टामिन बोल सकते हैं, और पिस्टिल बोल सकते हैं। तो एक कंडेंस फॉर्म ऑफ शूट को ही क्या बोलते हैं हम लोग, आपका फ्लोरल एक मेरिस्टेम में कन्वर्ट होता है, जिसको फ्लावर कहते हैं।
अब जो फ्लावर होता है जनरली दो टाइप के हो सकते हैं, सोलिटरी हो सकते हैं और क्या होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। तो सोलिटरी का भी छोड़ो पहले, ये इन्फ्लोरेसेंस को देखो, सोलिटरी भी कुछ नहीं आसान है। तो इन्फ्लोरेसेंस में रेसिमोज होंगे और क्या होंगे, साइमोज होंगे। अब इस रेसिमोज साइमोज में क्या होता है कि जैसे आप ये देख रहे हो कि यंगेस्ट फ्लावर ऑन द अपेक्स होगा, अपेक्स पर क्या होगा, यंगेस्ट फ्लावर होंगे। क्यों क्यों होंगे, कि ओल्डेस्ट फ्लावर ऑन द बेस होगा, जिसको एक्रोपेटल बोलते हैं, ये पहचानने की कोशिश है। बट ये क्या होगा, ओल्ड फ्लावर कहाँ पर रहेंगे, आप अपेक्स पर रहेंगे, और न्यू फ्लावर कहाँ पर रहेंगे, बेस में रहेंगे। इसको क्या बोलते हैं, बेसी पेटल बोलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि रेसिमोज इज अ एक्रोपेटल, क्या है, एक्रोपेटल है। बट वही बात करेंगे साइमोज, तो साइमोज क्या है, यहाँ पे बेसी पेटल है, क्या है, बेसी पेटल है। ये चीज़ें समझ में आ रही है। फिर देखेंगे यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस के बारे में लिखा है कि इन्फ्लोरेसेंस क्या है, तो बोलेंगे फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट, वेयर द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज टू फ्लोरल मेरिस्टेम, इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट एंड एक्सिस गेट्स कंडेंस, द अपेक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडिजेस लेटरली एट सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स, वेन ए शूट फ्लावर ट्रांसफॉर्म इन टू द फ्लावर इट इज ऑलवेज सोलिटरी, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, बोला डिपेंडिंग ऑन वेदर अपेक्स गेट्स डेवलप इन टू द फ्लावर और कंटिन्यू टू ग्रो, टू मेजर डिफरेंट है, क्या है, रेसिमोज है और क्या है, साइमोज है। तो रेसिमोज में क्या होता है, टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, मेन जो एक्सिस होगा वो क्या होगा, कंटिन्यू टू ग्रो होगा। ठीक है, द फ्लावर आर बॉर्न लेटरली एन ए एक्रोपेटल सक्सेसन। एक्रोपेटल का सक्सेसन मतलब क्या होगा, यहाँ पे जैसे इस पिक्चर को हमने देखा था, तो एक्रोपेटल में क्या देखा था कि अंगेस्ट फ्लावर कहाँ पर रहेंगे, अपेक्स में, और बेसिपेटल में क्या था, अंगेस्ट फ्लावर कहाँ रहेंगे, बेस पे। वही बोल रहा है यहाँ पे साइमोज में क्या, प्रिफर द मेन एक्सिस टर्मिनेट इन ए फ्लावर, हेंस इज लिमिटेड ग्रोथ, द फ्लावर आर बॉर्न इन ए बेसिपेटल ऑर्डर, तो बेसिपेटल ऑर्डर में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, यंग फ्लावर कहाँ पे है, अपेक्स पे है ना, यंग फ्लावर यहाँ पे कहाँ है, अपेक्स पे है। तो इसको क्या बोले, एक्रोपेटल, और इसमें क्या होगा, बेस पे है, यंग फ्लावर एट बेस, तो इसको क्या बोलेंगे, बेसिपेटल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बेसिपेटल बोलेंगे। अब बोले कि फ्लावर क्या होता है, तो फ्लावर के बारे में देखेंगे। फ्लावर जो होता है रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है एंजियोस्पर्म का, मीन्ट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं, इसी के कारण क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बोला कि अगर कोई टिपिकल फ्लावर होगा ना, तो उसमें फोर डिफरेंट टाइप्स के क्या होंगे, वॉल्स होंगे। वॉल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, रिंग भी बोलते हैं। किसका बात करें, 1, 2, 3, 4, और ऑल रिंग्स कंपोज्ड टू फोर थैलामस, यहाँ से कुछ ना कुछ क्या होगा, आउटर रिंग से राइजेज होगा, सेपल, पेटल, स्टामेन, और क्या होगा यहाँ पे, पिस्टिल, ये सारे अराइज होंगे सक्सेसिवली इन ए स्वोलेन इन ऑफ द स्टार्क ए पेडिसेल्स कॉल्ड द थैलामस और रेसिप्टेकल। तो सारे के जब क्या होंगे, सक्सेसिवली अटैच रहेंगे, वो कंपोज करके उसको हम लोग थैलामस बोल सकते हैं या रेसिप्टेकल्स बोलते हैं। रेसिप्टेकल्स का मतलब जहाँ पे सारे चीज़ें अटैच हो। तो आउटर लेयर से यहाँ पे क्या अटैच देखने को मिल रहा है, कैलिक्स जिसको सेपल बोलते हैं, और सेकेंड से क्या अराइज हो रहा है, यहाँ पे क्या रह जा रहा है, कैलिक्स तो कुरला, कुरला को पेटल बोलते हैं। वही थर्ड से क्या हो रहा है, स्टामेन, तो एंजियोस्पर्म बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे, एंजियोस्पर्म नहीं बोलेंगे इसको, गाइनोशियम बोलेंगे, गाइनोशियम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गाइनोशियम बोलेंगे। और गाइनोशियम का दूसरा नाम क्या है, एस्टामेन है, क्या है, एस्टामेन है। और यह क्या है, जिम्नोस्पर्म है, क्या है, जिम्नोस्पर्म, जिसको क्या बोलते हैं, गाइनोशियम बोलते हैं, गाइनोशियम बोलते हैं। तो क्या हुआ, कैलिक्स हुआ, कुरला हुआ, एस्टामेन हो गया, और क्या हो गया, तो एंजियोस्पर्म को एस्टामेन बोलते हैं, और जिम्नियोस्पर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, जाइनोसियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जाइनोसियम बोलते हैं। तो कैलिक्स एंड कोरला एसेसरी ऑर्गन होते हैं, बट एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। तो बोले इन सम फ्लावर द कैलिक्स एंड कोरला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड आर टर्म्ड एज पेरिया। तो कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जैसे आपका सेपल और जो पेटल है आपस में फ्यूज हो जाएंगे, और फ्यूज हो जाएगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि स्टामेन है, सॉरी ये कैलिक्स है या कोरला है। तो दोनों जब फ्यूज रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं। अब बोला यहाँ पे द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म, इट मीन फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए टिपिकल फ्लावर हैज फोर डिफरेंट काइंड ऑफ वॉल्स अरेंज इन सक्सेसिवली एंड द स्वेलन इंड ऑफ द स्टाल्क और पेडिसेल कॉल्ड द थैलेमस और रिसिप्टेकल।
देयर आर कैलिक्स, कोरला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम. कैलिक्स एंड कोरला आर द एसेसरी ऑर्गन, वाइल द एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. इन सम फ्लावर्स लाइक लिली, कैलिक्स एंड कोरला आर नॉट डिस्टिंग्ड इन टर्म आर पेरियंथ. तो हम उसको अलग नहीं कर सकते. जैसे लिली क्या हो गया, जब लिली की बात करेंगे ना, तो लिली ऐसा प्लांट है जैसे कि वॉल्स है ना. तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो कि ये क्या है, कैलिक्स है, जिसको क्या बोलते हैं, सेपल. और यहाँ से क्या अराइज हो रहा है, क्या बोलेंगे इसको, पेटल. क्या बोलेंगे, पेटल या कोरोला, है ना, कोरोला बोलेंगे या पेटल. अब दोनों आपस में जब फ्यूज हो जाता है तो हमें पता ही नहीं चलता है. तो वाटर लिली के केस में क्या होता है, एक मोटा सा इस टाइप का फॉर्म होगा जिसमें क्या है, तो क्या बोलेंगे, पेरियांथ. इसको क्या बोलेंगे, पेरियांथ. तो पेरियांथ में है क्या, तो बोलेंगे कैलिक्स और कोरोला क्या है, फ्यूज है. क्या है, दोनों फ्यूज है, जिसको क्या बोलते हैं, पेरियांथ बोलते हैं. तो किस में देखने को मिलता है, तो लिली में बोलते हैं. व्हेन ए फ्लावर हैज बोथ एंडोसियम एंड गाइनोसियम इट इज बाइसेक्सुअल. सही बात है, एक फ्लावर में अगर दोनों रिप्रोडक्टिव सेल सेक्स ऑर्गेन प्रेजेंट है तो बाइसेक्सुअल बोलेंगे. ये फ्लावर हैविंग ओनली वन एस्टामेन रहेगा या ओनली क्या रहेगा, पिस्टिल, उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल बोलेंगे. ठीक है, दोनों सेक्स प्रेजेंट रहेंगे, सेक्स ऑर्गेन तो बाइसेक्सुअल, सिर्फ एक प्रेजेंट रहेगा तो यूनिसेक्सुअल. अब बोला कि सिमेट्री ऑफ फ्लावर, फ्लावर भी सिमेट्रिकल होता है. जैसे ऐसा फ्लावर होता है जिसको किसी कहीं से भी कट करो, रेडियली कट करेंगे वो दो इक्वल भाग में डिवाइड हो जाएगा. कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगल कट करेंगे तो ही डिवाइड होगा, है ना, इक्वली. बट कुछ होते हैं कि कितना भी कट कर लो, 1 2 3 कोई भी कट लगाओ किधर से भी, बट क्या होगा, वो दो भाग में डिवाइड नहीं होता. एग्जाम्पल क्या है, करना है वही बोले, डिवाइड इंटू 2 हाफ बाई मेनी प्लेन, दैट इज MCD. याद रखेंगे, मस्टर्ड, चिली और धतूरा. वही इसमें क्या याद रखेंगे, डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल हाफ्स इन ए सिंगल प्लेन. तो क्या हो गया यहाँ पे, पीगू बेका. याद रख सकते हैं, पी गुलमोहर बीन और क्या है, कैशिया. वही बात करेंगे किसका, तो इसमें क्या हो जाएगा, जब फैमिली बिलोंग करेगा क्या होगा, ब्रैकेशी, सोलनेसी, लिलियसी. फैमिली बिलोंग करेंगे किसके, एक्टिनोमॉर्फिक के लिए, जिसको क्या बोलते हैं, रेडियल बोलते हैं, और जाइगोमॉर्फिक जिसको क्या बोलते हैं, बायलेटरल बोलते हैं, है ना. तो इसमें क्या होगा, फेवेसी फैमिली हो जाएगा इसमें. वही बात करेंगे, कैन नॉट डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल हाफ्स, जिसको क्या बोलते हैं, काना बोलते हैं, क्योंकि ये छोटा है और ये क्या है, एक बड़ा है, इसको हम 2 इक्वल हाफ डिवाइड नहीं कर सकते हैं. अब बोल रहे हैं कि इनसिमेट्री फ्लावर में भी एक्टिनोमॉर्फिक, दैट इज रेडियल सिमेट्री और जाइगोमॉर्फिक, बाइलेटरल सिमेट्री. व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल रेडियल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू अ सेंटर, इट इज सेड टू बी द एक्टिनोमॉर्फिक, दैट इज मस्टर्ड, धतूरा, चिली. व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 सिमिलर हाफ्स ओनली इन वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन्स, इट इज जाइगोमॉर्फिक, दैट इज पी गोलमोहर बीन कैशिया. ए फ्लावर इज एसिमेट्रिक इरेगुलर इफ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इंटू 2 सिमिलर हाफ्स बाई एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एज इन काना. ए फ्लावर मे बी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस व्हेन ए फ्लोरल अपेंडिसेस आर मल्टीपल ऑफ द 3 4 5 रेस्पेक्टली. द फ्लावर विथ ब्रैक्ट्स, रिड्यूस लीफ फाउंड इन द बेस ऑफ द पेडिसेल आर कॉल्ड द ब्रैक्टेट, एंड दोज विदाउट ब्रैक्टेट ई ब्रैक्टेट. अब ये समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, ये हमने क्या हुआ, टाइप ऑफ फ्लावर हमने देख लिया. अब टाइप ऑफ फ्लावर में क्या देखा हमने, ये तो जाइगोमॉर्फिक हो गया. टाइप ऑफ फ्लावर में क्या देखा, टाइप ऑफ फ्लावर में देखते हैं कि सुपीरियर अगर ओवरी रहेगा, क्योंकि ये क्या है, ये जो मैं पोर्शन बता रहा हूँ ये क्या है, थैलामस है. तो थैलामस में यहाँ पे क्या है, ओवरी सुपीरियर है, क्योंकि क्या है, थैलामस पे प्रजेंट है. क्या है, थैलामस पे क्या है, ये प्रजेंट है, तो सुपीरियर ओवरी बोलेंगे. तो इसको बोलते हैं हाइपोगाइनस. क्या बोलते हैं, हाइपोगाइनस. मैंगो, ब्रिंजल, चाइना रोज, मस्टर्ड में देखने को मिलता है. अगर अगर कोई आपका पिस्टिल या कार्पल जिसको बोलते हैं, वो हाफ देखो, अगर पूरे सर्किल को मान, तो हाफ है कि नहीं, यहाँ से कर लो सेंटर, तो हाफ क्या अटैच है, तो हाफ मीन्स क्या होता है, सेमी. तो सेमी को क्या बोलते हैं, पेरी. तो पेरी गाइनस ये हो गया. वही बात करेंगे, अगर पूरा का पूरा ओवरी अगर इन साइड क्या होता है, थैलामस के अंदर चला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इन्फेरियर ओवरी. तो इन्फेरियर मीन्स एपी गाइनस, हाफ इन्फेरियर मीन्स पेरी गाइनस. तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एपी गाइनस का कुकुम्बर, गुआवा, सनफ्लावर, रेफ्लोरेट. वही बात करें किसका, पेरी गाइनस का क्या एग्जाम्पल है, पेरी गाइनस का तो प्लम, पीच और क्या है, रोज. फिर बोल रहे हैं वही, यहाँ पे इस पिक्चर है, ये क्या है, ये थैलामस है. थैलामस के सबसे ऊपर में क्या है, ओवरी दिखाई दे रहा है. इसमें क्या है, ओवरी जो है आपको हाफ ओवरी क्या है, अंदर है, यहाँ पे हाफ ओवरी क्या है. तो बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ पेरी गाइनस. और ये क्या है,
टोटल का टोटल क्या है, ओवर इनसाइड का है थैलामस, तो इसको क्या बोलेंगे आपको, तो इपिगाइनस, तो ये क्या हो गया इपिगाइनस, इपिगाइनस। और ये दोनों एग्जांपल किसका हो गया, पेरीगाइनस, पेरीगाइनस का एग्जांपल हो गया दोनों, और ये किसका एग्जांपल हो गया, तो हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस का आपका ये एग्जांपल हो गया। बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द कैलिक्स कोरला एंड्रोसियम इन रेस्पेक्ट ऑफ द ओवरी एंड थैलेमस द फ्लावर आर डिस्क्राइब इन टू हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड इपीगाइनस। तो क्या बोलेंगे इसको, हाइपोगाइनस किसको बोलेंगे, इन एफ इन द हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोसियम ऑक्यूपाई द हाइएस्ट पोजिशन, गाइनोसियम, गाइनोसियम ऑक्यूपाई द हाइएस्ट पोजिशन वाइल द अदर पार्ट आर स्टिल्ड बिलो इट। सारे के सारे पार्ट क्या रहेंगे, बिलो रहेंगे, किसका बोल रहा है, हाइपो के बोल रहा है। हाइपो में क्या होगा, सारे के सारे पार्ट क्या रहेंगे, बिलो रहेंगे। सारे का पार्ट क्या हो गया, यहाँ पे अगर हम बात कर सकते हैं तो ये क्या हो गया, इसको क्या बोल सकते हैं, सेपल, ये क्या है पेटल, और क्या हो गया स्टामेन। तो सारे पार्ट क्या है, बिलो है, और क्या है गाइनोसियम क्या है, सबसे ऊपर में है, तो इसको क्या बोलेंगे हाइपोगाइनस, ठीक है। वेल द अदर पार्ट आर सिचुएटेड बिलो इट द ओवरी इन सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपेरियर, तो ओवरी क्या रहेगा, सुपेरियर रहेगा, डेट इज मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। इफ द गाइनोसियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड इन द रिम ऑफ द थैलामस ऑलमोस्ट सेम लेवल, इट इज कॉल्ड पेरीगाइनस। तो पेरीगाइनस का एग्जाम्पल्स क्या है, देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए क्या है, यहाँ पे आधा ये भी है, बट यहाँ से क्या ये भी अराइजेज है, तो क्या है बराबर है, हाफ हाफ में है, ये भी देख सकते हैं कि हाफ हाफ में है ना, तो बोल सकते हैं पेरीगाइनस। वही बोल रहा है क्या यहाँ पे, द ओवरी राइज सेड टू बी हाफ इनफेरियर, इसको कब बोलेंगे पेरीगाइनस का हाफ इनफेरियर, तो प्लम, पीच और क्या हो गया, रोज एग्जाम्पल हो गया। वही बात करेंगे किसका, वही बात करेंगे आपका किसका, एग्जाम्पल हो गया, वही बात करेंगे किसका, इन इपिगाइनस का। तो द मार्जिन ऑफ द थैलामस ग्रो अपवर्ड इनक्लोज द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विथ इट द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर अराइज अबव द ओवरी, हेंस द ओवरी इज सेड टू बी इन्फेरियर एज इन फ्लावर ऑफ गुआवा एंड कुकुम्बर एंड द रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। तो ये हम लोग देखने की कोशिश किया कि इपिगाइनस में क्या होता है, कम्प्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज विथ इट द ओवरी अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर अराइजेज अबव द ओवरी, तो ओवरी के क्या है अराइजेज, सारे पार्ट जो है ओवरी के क्या है ऊपर में, यहाँ पे सेपल हो गया, पेटल हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया एंड स्टामेन हो गया, तो सब ओवरी के ऊपर है, यहाँ पे क्या होगा ओवरी के आसपास है, समान है, और ये क्या है वो सारे ओवरी के नीचे पार्ट है, तो हाइपोगाइनस, ये पेरीगाइनस और एपिगाइनस का एग्जाम्पल हो गया। पार्ट ऑफ फ्लावर की बात करेंगे जब, तो हमें पता है कि फ्लावर नॉर्मली है द फोर वॉल्स, डेट इज कैलिक्स, कोरला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम। कैलिक्स के बारे में बोलेंगे तो क्या है, द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वॉल्स ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड द सेपल, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलेंगे और मेंबर्स को क्या बोलेंगे, सेपल बोलेंगे। ये मैं इसको पढ़ाता हूँ तो क्या बोलता हूँ, सेपल सिंगल सिंगल को बोलेंगे, बट ग्रुप को क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलेंगे। जनरली सेपल आर ग्रीन लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज, द कैलिक्स में भी गेमोसेपल्स, सेपल यूनाइटेड हो सकता है और सेपल क्या हो सकता है, फ्यूज हो सकता है, पोली सेपल्स हो सकता है। सेम पोजिशन किसके लिए, कोरला के लिए। कंपोज ऑफ द पेटल आर द यूजली ब्राइट एंड कलर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन लाइक कैलिक्स, कोरला में भी ऑल्सो गेमो पेटल्स, पेटल यूनाइटेड सब हो सकता है, अलग अलग, पोली पेटलस, पेटल फ्री। तो ये यूनाइटेड को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूज बोलेंगे, फ्यूज हो सकता है और क्या हो सकता है, यहाँ पे फ्री हो सकता है, अलग अलग, यहाँ पे क्या होगा सेपरेट हो सकता है, हमने अभी उल्टा बोल दिया था। द शेप ऑफ शेप एंड कलर ऑफ द कोरोला मे वेरी ग्रेटली इन प्लांट, कोरोला में भी ट्यूबुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ट्यूबुलर बेल शेप्ड हो सकता है, फनल शेप्ड हो सकता है और व्हील शेप्ड हो सकता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं गेमोसेपल्स में क्या होता है, फ्यूज गेमो, तो दोनों हो सकता है, कैलिक्स कोरला के बाद रहता है, कैलिक्स को हो गया गेमोसेपल्स, कोरला गेमो पेटलस, तो दोनों के लिए दिया है। द शेप एंड कलर ऑफ द कोरला में वेरी ग्रेटली इन फ्लावर, जैसे कोरला में भी ट्यूबुलर हो सकता है, बेल शेप हो सकता है, फनल होता है और रील शेप हो सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये VVI है, यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट देख रहे हैं ना, ये VVI है, ये कितना बार पूछ सकता है कि कोरला जो में भी हो सकता है ट्यूबुलर, इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, जैसे ये देख रहे हो ये क्या है, ये ट्यूब टाइप का हो गया है ना, ये फनल टाइप का हो गया, तो ये इसी को बोल रहा है। अब एस्टिवेशन क्या है, ये न्यू टॉपिक हो गया यहाँ पे,
है ना, एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन किसको हम लोग बोलते हैं? एस्टिमेशन मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन ए फ्लोरल बड विथ रेस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ द सेम फ्लावर। तो मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन ए फ्लोरल बड विथ रेस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ द सेम वॉल्स, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग एस्टिमेशन बोलते हैं। एस्टिमेशन क्या, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन ए फ्लोरल बड विथ रेस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ द सेम वॉल इज नोन एज एस्टिमेशन। द मेन टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन आर वॉल्वेट, ट्विस्टेड, और क्या हो सकता है, इम्ब्रिकेट हो सकता है। तो वही हम लोग देख सकते हैं, है ना, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, वेक्जिलरी और क्या है, इम्ब्रिकेट देख सकते हैं। तो वेक्जिलरी यहाँ पे यहाँ छूट गया था नेक्स्ट पेज में, ठीक है। तो चार टाइप के हो रहे हैं, है ना, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वेक्जिलरी, ठीक है। तो ये हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अभी वॉल्वेट क्या होता है, हम जब देखेंगे कि बहुत सारे सेपल जब आपस में ये मार्जिन जो है इस मार्जिन को एकदम अपोजिट हो गए, जस्ट टच, नो ओवरलैप, ओवरलैप नहीं करेगा, जस्ट टच करेगा, कैलोट्रोपिस का हो सकता है, इसको वॉल्वेट बोलेंगे। ओवरलैप इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये इसको ओवरलैप कर रहा है, ये इसको, ये इसको, ये इसको, तो लग रहा है ना कि कोई चीज़ क्या होगा, सर्किल चल रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, ओवरलैप करें एक दूसरे को, चाइनाज डोर, फिंगर, लेडी फिंगर और कर्टन में आपको क्या होता है, ये देखने को मिलता है। वही बात करें वेक्जिलरी में क्या होता है, तो वेक्जिलरी में ये जो रहता है छोटे साइज का होता है और फ्यूज होता है, और ये क्या है आपका, इसको नील बोलते हैं, उसे जो थोड़ा बड़ा होता है उसको विंग बोलते हैं, सबसे जो बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेंडर बोलते हैं। बट ये सारे के सारे है क्या, सेपल या पेटल हो सकते हैं, बीम और पी में ये देखने को मिलता है। इम्ब्रिकेट में क्या होता है, इरेगुलर होता है, ओवरलैप होंगे बट नॉट इन पर्टिकुलर ये डायरेक्शन, ये क्या होंगे, इरेगुलर। तो क्या होगा, गोलमोहर हो गया, केशिया हो गया, तो जाइगोमॉर्फिक क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तब तो बोला कि व्हेन सेपल और पेटल इन ए वॉल्स जस्ट टच वन अनदर इन ए मार्जिन विदाउट एनी ओवरलैपिंग, दैट इज इन क्लोस्टोलियम होता है, इट इज क्या, उसको क्या बोलते हैं, वॉल्वेट बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, वॉल्वेट बोलते हैं, ठीक है। वही बोलता है, इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडिक्स ओवरलैप डेट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन, इन चाइना रोज में देखने को मिलता है, लेडी फिंगर में और कट्टन में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, ट्विस्टेड बोलते हैं। इफ द मार्जिन ऑफ द सेपल और पेटल ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन ए पर्टिकुलर इरेगुलर डायरेक्शन, इसको और केसिया में और कोलमोर में देखने को मिलता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका, इम्ब्रिकेट बोलते हैं, ठीक है। वही बोल रहा है क्या, इन ए पी और बीन फ्लावर का देर इज ए फाइव पेटल, द टारगेट जो जो लार्जेस्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड। तो पांच क्या होंगे, पेटल होंगे कितना, फाइव, लार्जेस्ट को क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये चीज़ को लार्जेस्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, लार्जेस्ट को हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, स्टैंडर्ड हुआ, ये सबसे क्या है, लार्जेस्ट है, स्टैंडर्ड है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, सबसे लार्जेस्ट है। वही बात कर रहे हैं, ओवरलैप द टू लेटरल पेटल जिसको विंग्स बोलते हैं, तो ये क्या है, इसको और इसको ये ओवरलैप किया कि नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, विंग्स बोलेंगे, है ना। तो विंग्स किसको बोल रहे हैं, मिडिल वाला को, है ना। और क्या है, बोल रहा है क्या, विच इन टर्न्स ओवरलैप द टू स्मॉल एंटीरियर पेटल जिसको कील बोलते हैं, तो ये क्या है, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कील बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कील बोलेंगे। दिस टाइप ऑफ एस्टिमेशन इन्होंने वेक्जिलरी, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेक्जिलरी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या है, वेक्जिलरी है, ठीक है, वेक्जिलरी है, डबल एल रहेगा यहाँ पे। वही इसको क्या बोलेंगे, इम्ब्रिकेट बोलेंगे, है ना, और ट्विस्टेड बोलेंगे, और क्या होगा। तो वॉल्वेट को अगर देखा जाए, तो वॉल्वेट में यहाँ पे देखते हैं, वॉल्वेट में क्या है, सब एक दूसरे से क्या है, ये पॉइंट क्या है, अटैच है, और यहाँ पे क्या है, कोई अटैच नहीं, इरेगुलर मैनर में, ये क्या है, ये अगर बात किया जाए तो बहुत ही रेगुलर मैनर में, और ये क्या है, रेगुलर मैनर में है, रेगुलर, और ये सेम है, बट इसमें क्या है, इरेगुलर है, इरेगुलर। ये क्या है, एक स्टैंडर्ड लार्जेस्ट है, मिडिल, और क्या है, कील, सबसे क्या है, स्मॉल है। ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलेगा। अब बोला कि एस्टेमिनोड क्या होता है, बोला कि एस्टेराइल एस्टामिन को क्या बोलते हैं, एस्टेमिनोड बोलेंगे, एस्टेराइल एस्टामिन को क्या बोलेंगे, एस्टेमिनोड बोलेंगे। एस्टामिन ऑफ फ्लावर में बी यूनाइटेड विथ अदर मेंबर सच एज पेटल और एमोंग देमसेल्व्स। वही बोला कि एस्टामिन की अगर केस में बात किया जाए, तो एस्टामिन कितने टाइप का होगा, एडेशन और क्या होता है, कोहेशन। एडेशन मतलब इपीपेटलस, एस्टामिन प्लस पेटल दो चीज़ मिल करके, तो उसको क्या बोलेंगे, इपीफाइलस वाला कंडीशन देख सकते हैं। इपीफाइलस मीन्स क्या था, मतलब ये सबसे ऊपर में दोनों रहेगा, सबसे टॉप पे एस्टामिन प्लस पेरियंथ, तो को क्या बोलेंगे, इपीफाइलस। पेरियंथ वन में, पेरियंथ में क्या रहेगा आपका, कैलिक्स है ना, और कोरोला, दोनों क्या होगा यहाँ पे, फ्यूज होगा, तो पेरियंथ उसको बोलेंगे। एस्टामिन प्लस क्या है यहाँ पे, पेरियंथ, तो लिली में देखने को मिलता है, एपिफाइलस हम लोग इसको बोल सकते हैं, एडिएशन है ना। एपी एस्टामिन प्लस पेटल रहेगा तो क्या बोलेंगे, एस्टामिन प्लस पेटल रहेगा तो क्या बोलेंगे, एपी पेटलस, और एस्टामिन प्लस पेरियंथ रहेगा तो क्या बोलेंगे,
एपिफाइलस, वही क्वेश्चन में मोनो एडल्पस क्या होगा, फिलामेंट फ्यूज विथ, फ्यूज टू फॉर्म एक, कोई फिलामेंट है जो क्या करता है फ्यूज करके एक बनाता है मोनो, है ना, वही बोल रहा है कि दो हो फ्यूज करेगा तो दो, और बहुत सारे दो से ज़्यादा तो क्या बोलेंगे आपका बहुत सारा। तो चाइना रोज में क्या होता है मोनो एडल्पस होता है, वही पी और पेपी लियोनिसी में क्या होता है दो टो फ्यूज होता है, और इसमें क्या होता है दो से ज़्यादा सिट्रस में होता है, तो हम लोग उसको देखने की कोशिश करते हैं एस्टेमिनोड में। वही बोला है कि यहाँ पे उसी चीज़ को यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, बोला कि एंडोशियम इज कम्पोज ऑफ एस्टामेन, ईच एस्टामेन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ स्टॉक फिलामेंट एंड द एंथर, ईच एंथर इज यूजली बाइलोब, वेरी वेरी गुड, ईच लोब हैज टू चैम्बर द पोलन सैक, द पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड इन पोलन सैक ए स्टेराइल एस्टामेन कॉल्ड द एस्टेमिनोड, एस्टामेंस ऑफ फ्लावर मे बी यूनाइटेड विथ अदर मेंबर्स सच एज पेटल और एमोंग देम सेल्व, वेन एस्टामेन आर अटैच टू द पेटल दे आर एपी पेटलस, इन ब्रिंजल में देखने को मिलता है, और एपी फाइलस वेन द अटैच ऑफ द पेरियंथ, है ना, तो क्या बोलेंगे अटैच द पेरियंथ, तो एपी फाइलस भी बोल सकते हैं, एपी पेटलस बोलते हैं, तो लिली में क्या होता है पेरियंथ अटैच रहता है एस्टामेन, द एस्टामेन इन द फ्लावर में भी एदर रिमेंस फ्री हो सकता है पोलियंडस और मे बी यूनाइटेड हो सकता है, डिपेंड करता है वेरिंग डिग्री पे, द एस्टामेंस में भी यूनाइटेड इंटू वन बंच, इसको क्या बोलेंगे मोनोडेल्पस, और टू बंच तो क्या बोलेंगे डाईडेल्पस, और बहुत सारा बंच मोर देन टू बंच तो क्या बोलेंगे पोलियोडेल्पस, इन सिट्रस में देखने को मिलता है, तो पी क्या है डाईडेल्पस है ना, सिट्रस क्या है पोलियोडेल्पस है, ठीक है, उसी तरह बात क्या करेंगे चाइना रोज क्या है मोनोडेल्पस है, तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर में भी ये वेरिएशंस इन द लेंथ ऑफ द फिलामेंट विथ अ फ्लावर एज ए साल्विया और मस्टर्ड में हम लोग देखने को मिलता है, दे आर मे बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द एस्टामेन, ठीक है, एस्टामेन का अलग अलग साइज हो सकता है, एस्टामेन जो होता है वो क्या हो सकता है वेरिएशन इन द लेंथ हो सकता है, जैसे हम लोग देख सकते हैं इस फ्लावर को देखेंगे डाई क्या बोल रहे हैं डाई डिनेमस बोल रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं टेट्रा डिनेमस बोल रहा है, टेट्रा मतलब क्या हो रहा है यहाँ से वन टू थ्री है ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है टेट्रा मतलब टू प्लस टू, अब देखो जैसे डाइडेल्पस का मतलब क्या होगा टू प्लस टू है, तो साल्विया में देखने को मिलता है, तो टू प्लस ये टू क्या है ये देखने की कोशिश करें, एस्टामेंस बेस वेरिएशन इन लेंथ ऑफ एस्टामे फिलामेंट विथ फ्लावर, तो डाई डिडेनमस और टेट्रा डिडेनस, तो टू प्लस टू तो दो छोटा है और दो टो क्या है बड़ा है, ठीक है, उसी तरह हम इसमें बात करेंगे तो फोर प्लस टू तो फोर क्या है बड़ा है और एक दो तो क्या है छोटा है, तो ये बोल सकते हैं ये क्या हो गया लॉन्गर क्या है इनर है और शॉर्टर क्या है आउटर है, ये इस तरीके से है, तो मस्टर्ड में ये देखने को मिलता है टेट्रा डाई नेमस और डाई डाइनेमस देखने को मिलता है वेरिएशन इन लेंथ ऑफ स्टामेन। उसी तरह बात करेंगे यहाँ पे सिंक कार्पस का फ्यूज होगा है कि नहीं, तो ये क्या गाइनोशियम फ्यूज होगा, गाइनोशियम का मतलब हम लोग पता है दूसरा नाम क्या है इसका, तो बोलेंगे पिस्टिल, या इसका नाम क्या है कार्पेल है ना, गाइनोशियम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो सिंक कार्प फ्यूज किस में होता है पेपर मस्टर्ड हिबिस्कस और टोमाटो में, तो फ्री किस में होता है लोटस रोज और क्या होगा माइकेलिया में, क्या होता है माइसेलिया में, ठीक है, उसी तरह आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता क्या है ओव्यूल डेवलप इंटू द सीड, तो ओव्यूल क्या होगा सही बात है डेवलप इंटू सीड, ठीक, फिर बोल रहे ओवरी मैच्योर इंटू द फ्रूट, बात बिल्कुल सही है, ओवरी वाल फॉर्म फ्रूट वाल जिसको पेरिकार्प बोलते हैं, बिल्कुल बात सही है, ठीक है, तो गाइनोसियम बोल रहा है गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड मेड अप ऑफ द वन और मोर कार्पेल, ए कार्पल कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट डेट इज स्टिग्मा स्टाइल एंड क्या है ओवरी, सही बात है, अगर इस टाइप का हम पिक्चर देखेंगे तो यही है गाइनोसियम का पिक्चर, तो इसको क्या बोलते थे स्टिग्मा बोलते थे है ना, इसको क्या बोलते थे स्टाइल बोलते थे और इसको क्या बोलते थे ओवरी बोलते, तो तीन पार्ट तो है ही, ओवरी इज द इनलार्ज बेसल पार्ट, सही बात है, यहाँ से जो बेसल पार्ट है इन लार्ज है ऑन विच टाई जिसमें क्या होता है लाई इन द इलोंगेटेड ट्यूब एस्टाइल, द एस्टाइल कनेक्ट द ओवरी टू द एस्टिग्मा, एस्टिग्मा इज यूजुअली द टिप ऑफ द एस्टाइल एंड इज रिसेप्टिव सरफेस फॉर द पोलन ग्रैंड, इच ओवरी वियर वन और मोर एव्यूल अटैच टू फ्लैट एंड कशन लाइक प्लेजेंटा, वेन मोर देन वन कार्पेल इज प्रेजेंट दे मे बी फ्री, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं एपोकार्पस, दे आर टर्मिनेट सिन कार्पस वेन द क्या रहेगा फ्यूज रहेगा, तो एपोकार्पस कब बोलेंगे जब फ्री रहेगा तो, और फ्यूज रहेगा तो क्या बोलेंगे आपको सिन कार्पस बोलेंगे, मस्टर्ड में और टोमाटो में देखने को मिलता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप इन टू द सीड एंड ओवरी मैच्योर टू फॉर्म द आफ्टर फ्रूट,
हाँ हाँ हेलो। ठीक है ठीक, ओके। किसमें कर दूँ? हेलो, तो वही जब बात करेंगे हम प्रेजेंटेशन का, तो क्या होता है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाँ क्या बोलेंगे? हेलो, Incoming voice call from Nick. हाँ ठीक है। किसी से मिले तो अपने लिए तो सही। हाँ तो वही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रेजेंटेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से देखेंगे। इसमें क्या होता है, बोलता है कि अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी। बहुत बढ़िया, अब ध्यान से समझो मामला कहाँ की है। यह भैया हो गया हमारा क्या ओवरी, ये हो गया एस्टिग्मा, और क्या हो गया एस्टाइल। तो ये जो है आफ्टर पोलिनेशन, ये जो हिस्सा है पोर्शन है, ये क्या होता है रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो बच जाता है क्या, ये ओनली ओवरी। अब हम पता है कि ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है। ठीक है, ओव्यूल। तो देख रहे हो ये जो मैं कितना अच्छा अरेंजमेंट किया हूँ इस टाइप का, तो ये एक टाइप का अरेंजमेंट है। उसी तरह जब मटर में देखेंगे तो देखो एक रिज है, मतलब एक मिड रिब है, वहाँ से इधर भी सीड है, इधर भी सीड है, इधर भी सीड है, इधर भी सीड। तो इसमें क्या बोल सकते हैं, ओव्यूल्स में इन टू अल्टरनेट रो है। एक रो में इधर सीड, फिर अल्टरनेट में, फिर अल्टरनेट में, फिर अल्टरनेट में, तो एक टाइप का अरेंजमेंट है, तो पी में होता है। ठीक है, तो यही सारा चीज़ें इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलो इधर दिखाई देता हूँ, तो हमने देख लिया ये भी क्या है ओवरी है, ये कैसे अटैच है सीड, देख रहे हो है ना। तो ओव्यूल में कैसे अटैच है, ये देखो ये अंदर, ये बाहर, ये सेंटर में। तो इसमें क्या है पार्टीशन है, इसमें पार्टीशन नहीं है, और ये इस टाइप में, तो ये देखेंगे। तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं क्या,
मार्जिनल, इसको एग्जाइल, इसको राइटल, और इसको प्री सेंट्रल, और इसको बेसल बोलने की कोशिश करते हैं। तो मार्जिनल में क्या देखेंगे? मोनोकार्पेलरी ओवरी है ना, फिर इसमें क्या बोलेंगे? वन सीडेड, डेट इज मेरी गोल्ड, सनफ्लावर में देखेंगे, पी में हो गया। फ्री सेंट्रल में क्या देखेंगे? प्राइम रोज, डायनथस। फिर एग्जाइल में क्या देखेंगे? चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। फिर राइटल में क्या देखेंगे? इनर वाल ऑफ ओवरी और पेरिफेरल, जिसको क्या बोलते हैं? मस्टर्ड बोलते हैं। अब देखेंगे कि प्लेजेंटेशन क्या बोलते हैं। तो बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी इज नोन एज प्लेजेंटेशन। द प्लेजेंटर हैव डिफरेंट टाइप्स, नेमली मार्जिनल, एग्जाइल, पेराइटल, और क्या हो गया? फ्री सेंट्रल, और क्या हो गया? बेसल। तो इसमें क्या है ना कि एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट होते हैं। जस्ट लाइक कि यहाँ पे बोलेगा कि मार्जिनल में क्या होता है, तो बोलेंगे रिज होता है अलॉन्ग विद द वेंट्रल। तो किस पे होता है? तो पी में होता है। तो पी वाला जो है एग्जाम्पल पूछेगा किसका है? मार्जिनल का। वही बोलेगा कि यहाँ पे कि एग्जेलरी एग्जाइल का किसका है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? चाइना रोज, और क्या है यहाँ पे? टोमाटो, और क्या है? लेमो। तो एग्जाम्पल क्या है? बहुत ही जरूरी है। तो एग्जाइल का एग्जाम्पल है। वही बात करें पेराइटल का एग्जाम्पल क्या है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे मस्टर्ड हो गया, आपका अर्जिमोन हो गया। वही बात करेंगे किसका? डाइनथस। प्राइम रोज किसका है? तो फ्री सेंट्रल का। और बेसल किसका है? सनफ्लावर, मेरीगोल्ड। ये है, तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, पिक्चर है। बोल रहा है कि अगर तो फ्रूट के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा? एक करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एक कोई फ्लावरिंग प्लांट है उसका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या होना चाहिए, ठीक है, ये देखने की कोशिश करें क्या हो गया। तो बोलेंगे इट इज ए मेच्योर और राइपेंड ओवरी। फ्रूट क्या होता है? राइपेंड ओवरी को क्या बोलते हैं? फ्रूट बोलते हैं। बहुत है, क्या बोलेंगे? राइपेंड ओवरी को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रूट बोलते हैं। डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? डेवलप होता है। ये फ्रूट इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी नोन एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं, कोई फ्रूट है, अब बोल रहा है कि वो फॉर्म हुआ बट विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी। हमें पता है कि ओवरी इज द रिजल्ट ऑफ फ्रूट, तो ओवरी का फॉर्मेशन कैसा होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, बट इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सीड भी नहीं होगा ना, तो सीडलेस को बोल सकते हो, है ना। जनरली फ्रूट कंसिस्ट ऑफ ए वाल, पेरिकार्प एंड सीड्स। तो ये सारे चीज़ें बोल रहा है, वाल को क्या बोलते हैं? पेरिकार्प बोलते हैं या सीड रहता है। जनरली फ्रूट में आपको दो चीज़ मिलेगा। अगर मान लो कि मैं बोल रहा हूँ ये फ्रूट है, तो उसका वाल हो गया है ना, ये क्या हो गया? सीड हो गया, और ये क्या हो गया? वाल हो गया। तो किसी किसी में सीड को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिकार्प जनरली हम लोग बोलते हैं। दो ही चीज़ होता है, पेरिकार्प में भी ड्राई और फ्लेसी। कब? व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लेसी, इट इज डिफरेंशिएशन इनटू आउटर पेरिकार्प, मिडिल एंड मेजो, है ना, एंड इनर इंडोकार्प। इनर इंडोकार्प, तो वही बोल रहा है देखो कि फ्रूट जो होता है ड्राई फ्रूट, कब? मस्टर्ड, ग्राउंडनट, फ्लेसी फ्रूट, ऑरेंज, मैंगो और गुआवा। तो कब होगा भाई? तो ट्रू फ्रूट देखेंगे, फॉल्स फ्रूट देखेंगे, और पार्थेनोकार्पिक ओवर डेवलप फ्रॉम द फर्टिलाइज ओवरी। ट्रू फ्रूट अदर देन ओवरी, डेट इज फॉल्स फ्रूट, पार्थेनो वर्जिन फ्रूट। इसमें क्या होगा? सीड नहीं होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड लेस होता है बनाना, आर्टिफिशियल बाई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से ये बनाया गया है, ठीक है। तो फॉल्स फ्रूट पे क्या हो गया? स्ट्रॉबेरी हो गया, एप्पल हो गया, पियर हो गया, कसव, ये क्या होते हैं? फॉल्स फ्रूट होते हैं, क्योंकि ये जो है ओवरी से फर्टिलाइज करके डेवलप नहीं होता है, अदर देन ओवरी होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लो कि फ्रूट है, फ्रूट इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इट इज मैच्योर राइपेंड ओवरी डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इफ ए फ्रूट इज फाउंड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इट इज कॉल्ड द पार्थेनोकार्पिक ओवरी। जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ वाल और पेरिकार्प एंड सीड, दो चीज़ होता है, पेरिकार्प बोलो या सीड, क्योंकि बीच में और लिखा था वह एंड सीड, तो ये एक और दो चीज़ होता है। पेरिकार्प में भी ड्राई हो सकता है, फ्लेसी होता है। व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लेसी, इट इज डिफरेंशिएट टू द आउटर पेरिकार्प, द मिडिल मेजोकार्प एंड इनर इंडोकार्प। तो उस टाइप के फ्रूट को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लेसी बोलेंगे। और तीनों अगर डिफरेंशिएट नहीं होगा, ओनली पेरिकार्प ही रह जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? ड्राई फ्रूट बोलेंगे। जैसे ध्यान से देखो मैं क्या बोलूँ, पेरिकार्प, तो पेरिकार्प अगर मॉडिफाइड नहीं हुआ, ठीक है, पेरिकार्प मॉडिफाइड नहीं हुआ, तो इसको पेरिकार्प बोलेंगे, और ये फ्रूट को ड्राई फ्रूट बोलेंगे।
बट ये पेरिकार मॉडिफाइड हो गया किस में, आउटर, मिडिल और इनर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर को क्या बोलेंगे, पेरिकार्प बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, मेजोकार्प बोलेंगे, है ना, मेजोकार्प। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनर इपिकार्प बोलेंगे, है ना, मतलब इंडोकार्प बोलेंगे, इंडो कार्प बोलेंगे। तो अगर ये सारी सिचुएशन है, मतलब पेरिकार्प डिवाइडेड इंटू थ्री डिफरेंट लेयर्स टू फॉर्म द फ्लैशी फ्रूट। क्या बोलेंगे इसको, फ्लैशी फ्रूट बोलने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, अब बोला कि इन मैंगो कोकोनट द फ्रूट इन्होंने तो ड्रूप, ड्रूप फ्रूट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, ड्रूप है क्योंकि तीन लेयर में डिवाइडेड है। और फ्लैशी के एग्जाम्पल्स है, दे डेवलप फ्रॉम द मोनोकार्पलरी सुपेरियर ओवरी एंड आर वन सीडेड। इन मैंगो द पेरिकार्प इज डिफरेंशिएटेड इन टू एन आउटर थिन एपिकार्प, मिडिल एडिबल पार्ट और मेजो इनर स्टोनी हार्ड इंडोकार्प। इन कोकोनट विच इज ऑल्सो ए ड्रूप मेजोकार्प इज फाइबरस। ये सारे के सारे क्या हो गया, कुछ टर्म्स हो गए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं यहाँ पे। इस केस में क्या हो गया, इस सीट का बाहर है, इसको क्या बोलेंगे, इपिकार्प। जो खाते हैं वो क्या हो गया, मेजोकार्प। और सीट पे जो अटैच है इसको क्या बोलते हैं, इंडोकार्प। और ये क्या हो गया, सीड हो गया। बट इन कोकोनट के केस में ध्यान से देखो क्या होता है, मेजोकार्प ये वाला होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इंडोकार्प का क्या होता है, ये लाइनिंग। और ये क्या होता है, सीड होते हैं। तो हम सीड खाते हैं और उसमें जो वाटर होता है उसको पीने की कोशिश करते हैं। तो बोलोगे ना, तो सर इसमें इपिकार्प क्या होता है, तो ये जो बाहर का जो सरफस होता है ना मोटा, जो फाइबरस होता है, जो क्या होता है, फाइबरस होता है, उस ये इस केस में क्या हो गया, इपिकार्प हो गया, जिसको हम लोग रिमूव कर देते हैं तो ये स्टोनी पार्ट मिलता है। तो ये क्या हो गया, मेजोकार्प। और सीड क्या हो गया, इंडोकार्प हो गया। आपको समझ में आ गया यहाँ पे, सॉरी सीड क्या हो गया, सीड व्हाइट वाला, और ये वाला जो चिकना होता है उसको क्या बोलते हैं हम, आपको इंडोकार्प। तो हम लोग देख सकते हैं ड्रूप में क्या हो गया, मैंगो एपिकार्प, मेजोकार्प, इंडोकार्प, सीड ये है। उसी तरह कोकोनट में क्या हो गया, यहाँ पे बताने की कोशिश किया है, क्वायर जिसको बोलते हैं वो क्या हो गया है, इंडोकार्प बोलते हैं। एडिबल कोकोनट वाटर होता है वाइट कलर का, इंडोस्पर्म जो 3N होता है, पेरिकार्प फ्लैशी एंड थिक होता है, एडिबल मेजो इंडो स्टोनी हार्ड होता है इंडोकार्प। किस केस में, आपका कोकोनट के केस में, कोकोनट के केस में क्या होता है, ध्यान से देखो, इपिकार्प, मेजोकार्प, इंडोकार्प। तो इंडोकार्प क्या होता है, स्टोनी हार्ड होता है, और सीड को क्या करते हैं, एडिबल होता है सीड। ये देख सकते हैं इसमें, ये क्या है, इपिकार्प, ये क्या है, मेजोकार्प, ये क्या है, सीड है, और ये क्या है, इंडोस्पर्म। तो किसका ये है, कोकोनट का है। ध्यान से देखो, ये जो व्हाइट है, चलो अंदर से पानी है और ये व्हाइट वाला है, तो व्हाइट वाला क्या बोले, सीड है। तो सीड के जस्ट बाहर में चिकना स्मूथ है, उसका बोलते हैं इंडोकार्प, जो हार्ड स्टोनी होता है। उसके जस्ट बाहर में मेजोकार्प होता है, जो क्या होता है, फाइबरस होता है। ठीक है, और सबसे जो लास्ट वाला पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, एपिकार्प बोलते हैं। नारियल जो खरीद लाते हैं तो वो एपिकार्प होता है। अब बोल रहे हैं कि सीड, सीड क्या है, तो बोलेंगे ओव्यूल डेवलप इंटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देखते हैं कितना बाकी है, ज़्यादा बाकी होगा तो इसको दो लेक्चर में कन्वर्ट करने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, बहुत है, तो आई थिंक एक लेक्चर और लेना चाहिए इसका। तो सीड हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ें और समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।